स्वच्छ भारत अभियान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट की, जिससे प्रभावित होकर प्रताप नगर के भेलमता गांव के मदन सिंह राणा जी ने अपने स्वयं के संसाधनों से स्वच्छ भारत अभियान के लोगों के साथ एक गाड़ी तैयार करी और इस गाड़ी से वे प्रताप नगर के दूर दूर गांव में जाकर के स्वच्छ भारत अभियान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को ज़मीन पर उतारने का कार्य कर रहे हैं। इस कार्य को वे लगभग पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। इसी कड़ी में इन्होंने आज एक 10 दिवसीय विशेष कार्यक्रम माजप में प्रारंभ किया, जिसके साथ इनके प्रताप नगर के SDM अजय वीर सिंह व तहसीलदार SD चौरसिया जी ने भरपूर सहयोग किया व इनके कार्य को सराहा। साथ ही माजप के ग्रामीण व व्यापारियों ने भी इनका भरपूर सहयोग किया। आइए जानते हैं कि किस मकसद के साथ ये इस काम को कर रहे हैं और क्या इनका उद्देश्य है। आइए जानते हैं मदन सिंह राणा जी से। जी मदन सिंह राणा जी, बताइए क्या आपका उद्देश्य है और किन उद्देश्यों को लेकर के आप इस कार्य को कर रहे हैं? और ये मेरा मकसद है, जब मोदी जी ने ये काम किया था तो मुझे उससे इतनी अत्यंत खुशी हुई कि मैंने सीधी गाड़ी ला दी। और इसको बिना सरकार के किसी प्रकार का सहयोग नहीं है, ये मैं अपने पास से करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ प्रताप नगर में और उत्तरकाशी में, चारों धामों में भी ये करता हूँ, प्रचार प्रसार भी करता हूँ कि ये मोदी जी ने ऐसा काम किया तो इस तरीके का काम करता था। करीबन 4th साल लग गया। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? मैं सरकार से ये चाहता कि अगर सरकार मेरा सहयोग करती तो मैं आज तक इसको 2-3 गाड़ियाँ बना के चलाता और जन जन तक मैसेज पहुँचाने की कोशिश करता, मगर इस तरफ सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। और मैंने कई बार लोगों को पत्र भी लिखे हैं और किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे और इस मोदी जी का जो मिशन है इसको थोड़ा आगे बढ़ चढ़ के चलाएं। इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ ये काम हो, मगर अभी तक सरकार ने कुछ नहीं सोचा इसके बारे में। थे ना